हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नौकरी में। तो आज की वीडियो है हमारी 5 सितंबर करंट अफेयर्स की। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीनों दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है इराक, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? ए ऑप्शन है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, बी ऑप्शन है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, सी ऑप्शन है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ, डी ऑप्शन है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम पुनीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? ए ऑप्शन है AK-56, बी ऑप्शन है AK-74, सी ऑप्शन है AK-12, डी ऑप्शन है AK-203। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी AK-203। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटका, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है राहुल सचदेवा, बी ऑप्शन है अनिल त्यागी, सी ऑप्शन है विनोद कुमार यादव, डी ऑप्शन है अनिल यादव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है भूटान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भारत। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर लेकर। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ओके, थैंक यू।